अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं स्पेशल बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ तुम्हें देख लियो आगे। ये आपको मैदा, मैदा आइस आटा, ये बेकरी में यूज करती ना वो वाला आटा। एक पौ किलो तद ले को हूँ। जरा नमक डाल ले रही हूँ, पानी डाल को जरा आटा कला ले रही हूँ, जरा तेल डाल ले रही हूँ। ये आटा एक आधा घंटा रेस्ट को रखती हूँ। जरा तेल डाल को रेस्ट। आटा कला को रखो हूँ 10 मिनट, 10 से 15 मिनट होको है। अब इसे एक स्टफिंग बना लेती हूँ। स्टफिंग बनाने तेल, जरा तेल डाल लेती हूँ। एक स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, दो हरे मिर्चा डाल लूं, जरा करिया पत्त, ये प्याज की पत्ती, ये काट को रख लूं मैं, पाक जरूरी डालती है आधी प्याज की पत्ती डाल, बस नमक मिर्ची तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से ले लियो। मैं आधा स्पून नमक ले रही हूँ, जरी हल्दी 2 पिंच पत्ती, लाल मिर्ची पाउडर आधा, जो हरे मिर्चियाँ 2 मिर्ची डाल को हूँ, ये लाल मिर्ची का पाउडर आधा टीस्पून डाल को हूँ, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, कोथिमीरी है एक जरी, ये होगा, ये फ्लेम ऑफ करती है ताकि सिंपल का, तो एकदम सिंपल अच्छा ऐसा गुन लेना। देखो तेल डाल को हूँ, ऐसा बना लियो। अंडे उबाल को रख लियो, अंडे ऐसा काट लियो, एक में आधा आधा ऐसा, अच्छा गुन ले को, आधा अंडा, ऐसा बना ले। नमक दाल को भी ऑलरेडी मैं गरम को रखो थी, देखो ये स्टैंड रखो और इसमें ये रख दे, एक आधा घंटा रखेंगे। रखो एक 10 मिनट के बाद अंडा ऐसा फोड़ को, इसके ऊपर अंडे में अंडे का ब्रश कर दो कोटिंग। पूरे हमको ऐसा कर लेंगे, देखो दाल को ही और गर्म करेंगे बराबर आधा घंटा। आप 10 मिनट होको ही, आपको 20 मिनट कैसा
कैसा लगे देखो अंडा पप्स मेरा। 40 मिनट्स वो कोई मस्त है देखो बहुत गर्म है अभी। बहुत को तो बहुत अच्छा है सेम बेकरी का स्टाइल सेम अंडा पॉप्स ये। नाश्ता का वीडियो देखो स्किप करो न को मैं कैसा बने कर को तुम्हें देखो बनाए जा आराम से बनाए जाती बहुत सिंपल रेसिपी। जरा एक टाइम बनाए तक जरा वाहा दिख सका दिखता है मगर वाहा क्या भी नहीं है तकलीफ इसने आराम से बनाया जा बहुत टेस्टी है घर की रेसिपी हेल्दी भी है। अच्छा दुआ में याद रखो अल्लाह हाफिज़।